परीक्षा पास किए हैं यानी आपका रिजल्ट तो आ गया होगा। अगर आप पास कर चुके हैं या पास नहीं किए हैं, फेल हो चुके हैं या स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर चुके हैं, इसके बाद आपका जो नामांकन होगा वो इंटरमीडिएट अर्थात 11th क्लास में नामांकन होगा। 11th क्लास में नामांकन के लिए आपके सामने इस तरह के फॉर्म ओपन होगा और अप्लाई कब से होगा पूरी प्रक्रिया को हम बताएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी प्रोसेस होने वाला है सारे प्रोसेस को हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाना होगा, जो आपको शुरू से अंत तक आपको याद रखना होगा, कभी भी आपको ये जरूरत पड़ सकता है, इसके लिए आप वो चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आवश्यक क्या होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, कब से आपका आवेदन फॉर्म होगा, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आकर के आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे जो हम सर्च करेंगे माधव NCERT क्लासेस, ये आप ही लोग का फैमिली का नाम है, तो आप इस नाम को सर्च कीजिए गूगल पे और सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इस वाले पेज पे होम वाले जहाँ पर होगा उस पर क्या करना है आपको, एक छोटा सा क्लिक करना है। सबसे पहले तो आवश्यक सोचना है, आप लोग भी सब कुछ फ्री में है, फ्री में है कि अगर आप 10th पास कर रहे हैं, यहाँ पर 10th अगर आप पास कर रहे हैं तो 11th क्लास की तैयारी के लिए आप यहाँ पे चेक कीजिए, 11th की फुल कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अगर आप 11th में हैं तो 12th के फुल कोर्स के लिए आप फ्री में यहाँ पे ज्वाइन होइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी तरह से ज्वाइन निश्चित रूप से हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपको डेली टेस्ट भी लिया जाता है, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, UPSC BPSC की तैयारी के लिए नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 11th एडमिशन ऑनलाइन 2023-25 सेशन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको नीचे आ जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसकी जानकारी हम पहले आपको देंगे। तो देखिए आप लोग को जो सबसे बेहतर चीज हम बताने वाले हैं कि जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना। देखिए आय प्रमाण पत्र बनाने से आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगा, ठीक है, आवेदन शुल्क जो आपको लगेगा उसमें आपको छूट मिलेगा, आवेदन शुल्क में 200-400 रुपया 500 का छूट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको खाता नंबर तो होना ही चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, ध्यान रखिए मैट्रिक मार्कशीट ओरिजिनल आ गया तो वो आपको उसका जेरोक्स लगेगा यानी फोटो कॉपी, नहीं तो आप जो नेट वाला निकालते हैं वो नेट वाला से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जहां पर एडमिशन आपका नेट वाला से भी हो जाएगा और आवेदन पत्र लिख कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हो। और एडमिट कार्ड ध्यान रखिएगा, मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी आपको लगेगा, ईमेल आईडी आपको होना चाहिए जो अच्छी तरह से होना चाहिए जहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, और एक चालू मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर आपके पास होना चाहिए, फेवरेट फोटो भी होना चाहिए और स्कूल लेवल सर्टिफिकेट मतलब कि SLC आपके पास होना चाहिए। स्कूल लेवल सर्टिफिकेट होता है, मतलब स्कूल के द्वारा जो होता है TC उसको बोल सकते हैं वो देता है। अब जो है नामांकन के लिए यहाँ पे दो लिंक है, दोनों पे से किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मैट्रिक रिजल्ट मार्कशीट के साथ अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके 100% आप देख सकते हैं। 11th की तैयारी के लिए आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं तो साइंस की उत्पत्ति से लेकर के और क्या इसका पार्ट है, कैसा इसका पार्ट है, वो सारी चीज आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।